Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Welcome to lecture number 7 of differential equation. Layout of the lecture. In this lecture, initially I will explain the contents which we have studied in lecture number 6. Later on, I will explain a new method named as undetermined coefficients, method of undetermined coefficients. Where we will use a superposition approach to find the solution of a non-homogeneous differential equation. Today, differential equation will that will be non-homogeneous differential equation, and the method we will that will be named as undetermined coefficient. A review of the last lecture. लास्ट लेक्चर में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हमने डील की थी इक्वेशन बेसिकली एन थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ए एन एन माइनस वन ए टू ए वन ए नॉट ये जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सब के सब कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे दे कुड नॉट बी द वेरिएबल्स इफ इट इज अ

के फॉर्म में अब ये जब्राइक इक्वेशन होगी जिसके आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो मेथड रिकमेंड किया था सिंथेटिक डिवीजन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दो मेथड को यूज करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर की थी जो उसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनी थी वो सेकेंड ऑर्डर की थी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो सेकंड ऑर्डर की एक्सलरी क्वेश्चन होती है उसके जो रूट्स बनते हैं वो थ्री केसेस होंगे वन इफ द रूट्स आर नंबर वन डिस्टिंक्ट जैसे कि यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है द रूट्स आर डिस्टिंक्ट If the roots are distinct, they could be written in the form of exponents, simply e bar m1 of x, m2 of x, where this m1 and m2 are simply the roots of this second order algebraic equation. Second, pause roots are repeated or uh, थर्ड वन वॉज कॉम्प्लेक्स रूट ये तीन ऑप्शन होते हैं हमारे पास सेकेंड ऑर्डर मेंस है में लिखते हैं. Same, तो भी हम इन्हें पावर के फॉर्म में लिखते हैं मगर दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक्स को साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ये किस तरीके से करते हैं ये सारा हमने डिराइव किया था अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट्स तो इसका जो रियल पार्ट होगा दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट वाइल जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा और साइन थीटा नेक्स्ट टेबल में ये बात कंप्लेक्स की क्लियरली मैंने साइन और cos की फॉर्म में लिखी है ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तो आप सिंपली इन्हें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दें पावर की ई की पावर की फॉर्म में लिख दें दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर रूट्स रिपीटेड हैं और रियल हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे कि सब रूट्स उसी पैटर्न पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे मगर डिफरेंट करने के लिए आप साथ साथ एक्स एक्स स्क्स पावर एन माइनस वन तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि प्रीवियस रूट से वो डिफरेंट रूट बनेव कंप्लेक्स रूट्स तो आप जो रियल पार्ट होगा For e power, no, this is not just like x power alpha 1. This will be something like e power alpha 1 x c1 cos of beta 1 x plus c2 sine of beta 1 x. Same is here, it is e power alpha 2 x. C3 cos of beta 2x plus C4 cos of beta 2x इसी तरह अगर जितने भी पेड़ आते हैं कि सबको आपने इसी पैटर्न पे लिखते जाना है अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आपस में रिपीटेड फॉर्म में हो जाए तो आपने क्या करना है जो रियल पार्ट होगा बेसिकली ये वही उसी की रिप्रेजेंटेशन है जो रियल पार्ट होगा उसको आपने पावर की फॉर्म में लिखना है और जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट बी अगर रिपीटेड है तो सबका बीटा सेम है सो दे कॉमन कॉमन लेने के बाद वो इस फॉर्म में फाइनली लिखे जा सकते हैं ये हमारे पास था इफ वी हैव ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद यू ये लास्ट लेक्चर के सारे कॉन्टेंट्स थे ये सारे का सारा काम हम आज के लेक्चर में भी रिपीट करेंगे और आने वाले दो तीन लेक्चर्स में भी हम ये काम रिपीट करेंगे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को आज का लेक्चर बेसिकली डील करेगा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर यहां पर फंक्शन आए तो फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस वर्ड लीनियर मस्ट बी अ फंक्शन एक्स यहाँ पर आप ये काम नहीं कर सकते कि यहां पर वाई का वेरिएबल या वाई वेरिएबल नहीं आना चाहिए यहाँ पर एक्स ही आएगा एक्स का कोई भी फंक्शन आ जाए चाहे तो वो है, एक्सपोनेंशियल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोई भी फंक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन आके देखेंगे वो एक्स के फंक्शन होने चाहिए तो हम सिर्फ उनको डील करेंगे बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस भी है वे आर दीज कॉन्टेंट्स द कोफिशंट कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स These are constants as well as they could be the functions of x. However, we will discuss equations with constant coefficients. Hum jo equations, uh, leenge, those will only contain the constants, coefficients in the constant form. Method Step 1 determine the form of our input wave function g of x. First, we have to trace what is the function g of x. G of x could trace karingi. जनरल सोल्यूशन वाई पी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये स्टेप है कि आपने वाई पी गेस करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोफिशिएंट्स उसको गेस करने के बाद आपने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है देन सिंप्लीफाइंग प्रोसेस के बाद यू विल गेट We will finally calculate this. Now we will discuss restriction on G of X, where G of X is a, a non-homogeneous part of a non-homogeneous differential equation. It is right hand side part of a non-homogeneous differential equation. The derivatives of sum and product of polynomials exponentials are again sum and product of similar kind of functions. It means uh सम ऑफ जीएफेक्ट होगा जब आप उसे सोलूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सम ऑफ़ फंक्शन होना चाहिए खैर ये वाली प्रॉपर्टी uh, आप जब जब क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे तो मैं इसको ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि uh, इसका मतलब क्या है सेकेंड ऑप्शन इज द एक्सप्रेशन वाईपी 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 बेसिकली वो पार्ट है जो सोल्यूशन का आप गैस करेंगे जो गैस किया हुआ सोल्यूशन होगा दैट मस्ट डिफ़रेंशियल इक्वेशन दैट कि जब आप उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे इट मस्ट बी इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को प्रॉपर सेटिस दैट मीन्स कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीटली सैटिस्फाई करेगी जो भी आप गेस करेंगे अब गेस करना किस पैटर्न पे गेस करना है उसके लिए एक टेबल डिजाइन किया गया है होप्स हो कि उससे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे टेबल की तरफ जाते हैं टेबल ये कहता है कि इफ दिस जी एफ एक्स इज कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन ओनली वन देन यू हैव टू सेलेक्ट एज वाई पीव टू ए

जब आपके पास ट्रिक्नोमेट्रिक जो एक्सपोनेशियल फंक्शन आ जाए जो फंक्शन होगा विद सम हम उससे सिलेक्ट करेंगे सेम इज द केस आगे अच्छा यहां तक बात आ गई इंडिविजली हर फंक्शन को अलग अलग डिफाइन किया गया कि, अब आ जाती है बात प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आपके पास जीएफ एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हो पोलिनोम प्लस एक्सपोनशियल तो जो आगे आप वाईपी सेलेक्ट करेंगे वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में ही होना चाहिए ये वो पॉइंट वन था जो लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा केस अगर आपके पास पोलिनोम और एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो जो आप सोल्यूशन गेस करेंगे वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में ही होना चाहिए अगेन ओवरऑल कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको ये सोल्यूशन गेस करना आइडिया मौजूद है आगे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आए सम के फॉर्म में आए या किसी भी फॉर्म में आए आप उसे सिंपल इकट्ठा करके वैसे ही लिख सकते हैं सम है तो सम के फॉर्म में लिखेंगे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे जो जैसे है उसे उस फॉर्म में लिखेंगे अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और इस टेबल को आपने अपने माइंड में रखना है इस टेबल की हेल्प हमें बहुत ज्यादा आगे रिक्वायर्ड होगी क्वेश्चन नंबर वन दिस इज से जी एफ एक्स को हम uh, हमारे kind of ये हमारे पास जो इस वक्त जी एफ एक्स सिलेक्ट हुआ है दिस इज सिंपल पोलिनोम काइंड थिंग टू एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हैीरोमोज इक्वेशन बन जाती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने ये पढ़ा था कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को जब भी सोल्व किया जाता है तो इसका सोल्यूशन दो तरह का होता है वन ऑफ देश सी वाइल सेम्ड एज वाई पी जो मेथड uh, हम आज स्टडी कर रहे हैं वो पी को ट्रेस करने का मेथड है वो वाई सी से रिलेटेड नहीं है वाई सी को फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि इट इज अ कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन और ये जो होमोजीनियस एसोसिएटेड इक्वेशन है कि उसका सोल्यूशन होता है बट वाई पी ये नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन होता है ये के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जो वहां से सोल्यूशन आएगा उसे हम कहेंगे वाई सी मीन्स कम्पलीमेंट्री सोलूशन वाई पी मीन पर्टिकुलर सोल्यूशन वाई सी फाइंड आउट करने के लिए हम मूव करते हैं जो हमारे पास होमोजिनियस को सॉल्व करने का मेथड था उस मेथड की तरफ पुट वाई टू पावर एम एक्स एम एक्स प्राइम पुट किया डबल प्राइम पुट किया equation we will get the auxiliary equation quadratic equation hai we will find the roots roots agar hamare paas dono real bhi aa gaye hain distincts bhi aa gaye hain to simple write in the form of exponent c1 with some exponent c2 with some exponent ye ho gaya hamare paas simple by c ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है अब आ जाते हैं वाई पी वाई पी बेसिकली आज के लेक्चर का हिस्सा है Yp के लिए याद रखेगा वी नीद हेल्प फ्रॉम दिस जी एफ एक्स जी एफ एक्स इज टू एक्सक्र अपोलिनोम फंक्शन टू एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स प्लस जी एफ एक्स जो वाई पी सेलेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द टेबल दैट विल बी एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी अब मैंने क्या करना है कि वाई पी जो सिलेक्ट किया है इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है सेकेंड डेरिवेटिव लेना है और मेन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्सिट्यूट कर देना है फर्स्ट डेरिवेटिव द सेकेंड डेरिवेटिव इसे जब मैंने इक्वेशन के अंदर सब्सिट्यूट किया आई विल गेट दिस रिलेशन फिर जी ऑफ एक्स की ये कंडीशन थी कि जब मैं इसे सब्सिट्यूट करूंगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जी एफ एक्स ये जीएफेक्स के इक्वल आएगा हर सूरत अगर ये जीएफ एक्स के इक्वल आ जाएगा देन फाइनली आई विल गेट द रिलेशन जहां पर जीएफ एक्स लिखे है, वहां जीएफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा अब ये काम बेसिक आपका बेसिक मैथमेटिक्स की हेल्प आपको आगे चाहिए अब आपने क्या करना है अरेंज करना है एक्स स्क् का फंक्शन आपने अरेंज किया एक्स के पार्ट्स को अरेंज किया

तो हमारा अब टारगेट है कि हमने फाइंड आउट करना है ए क्या है बी क्या है और सी क्या है ये हमारा टारगेट है ए बी सी कैलकुलेट करें इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा अब वो फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है हम फाइनली इसवेशन तक पहुंचे हैं हमारे अन कितने ए बी सी तीन है इक्वेश कितनी है इस इज द फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन इक्वेशन भी तीन है अन भी तीन है कोई मस्ता नहीं सिंपल सब्सिट्यूटिंग डायरेक्टली यहां से आ जाता है बी यहाँ से आ जाता है दोनों ए बी पुट करें यूलट सी ये तीनों हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं जब ये तीनों कंप्लीट हो जाए बट वीव टू डू इज जस्ट पुट ऑल दीज थ्री इन वाई पी यू विल गेट कंप्लीट जेंटेशन ऑफ वाई पी वाई पी में तीनों को पुट कर दिया दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ वाई पी वाई सी आप कैलकुलेट कर चुके हैं वाईपी आपने अभी कैलकुलेट कर लिया है दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस पार्ट इज रिलेटेड विद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ज रिलेटेड विद द नॉन होमोजीनियस पार्ट ऑफ दिफरेंश इक्वेशन इसे पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं इसके अंदर कॉन्स्ट नहीं होते इसे कंप्लीमेंट्री सोलूशन कहते हैं या इन अदरवर्ड इट इज अल फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन जिसके अंदर कॉन्स्ट्रट्स शामिल होते हैं यही मेथड हमने अडॉप्ट करना है अब आगे के डिफरेंट क्वेश्चन में क्या होगा आगे के डिफरेंट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही काम होगा जो जिया है उसकी फॉर्म को वो चेंज करते जाएंगे बहुत से क्वेश्चन के अंदर अभी जो क्वेश्चन है इसमें एफ एक्स हमारे पास पोलिनोम था पोलिनोम टाइप था आगे क्वेश्चन करेंगे या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप होगा और इट कुड बी एक्सपोनेंशियल। ये तीन टाइप के फंक्शन है या फिर पोलिनोम और ट्रिग्नोमेट्रिक का मल्टीपल या सम या इन्हीं के आपस में अरेंजमेंट जिस भी टाइप की जिस भी पैटर्न पे होती है बस ही कुछ होगा हमारे पास आगे की डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर टू अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद जी एफ एक्सर वट वी हैव अ एस एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास इसको देखते हुए अगर मैं यहीं से आपको बताऊं कि YP हमारा क्या होगा तो वाई पी विल प्लस बी कॉज ऑफ थ्री एक्स इट डजेंट कि आप कॉज के साथ आपने बी ही लिखना है ए नहीं लिख सकते या साइन के साथ आपने ए लिखना है बी नहीं लिख सकते इट इज ऑल अप टू योर चॉइस ए बी रखें सी वन सी टू रखें एन पी क्यू जो मर्जी रखें ऑटोमेटिकली वो सेट होंगे और आपका जो सोल्यूशन होगा वो ठीक आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं वन ऑफ देम इज दम्पलीमेंट्री फंक्शन अदर वन इज द पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीमेंट्रीड फंक्शन जब हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं अगर एम हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम वाई सी को किस अंदाज से लिखेंगे लेटर ऑन पर्टिकुलर सोल्यूशन बेसिकली डिपेंड करता है जीओ एक्स के ऊपर जीओ एक्स इज अट्रिक्टोमेट्रिक फंक्शन सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल सिलेक्ट वाई पी वाई पी विल बी साइन ऑफ थ्री एक्स एंड कॉज ऑफ थ्री एक्स विथ सम मैंने आपको जो बताया था मैंने कहा था कि कॉज के साथ बी होगा साइन के साथ ए होगा कोई मसला नहीं कॉज के साथ ए कर दें साइन के साथ बी कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैथड इज द फर्स्ट डेरीवेटिव कॉज साइन में साइन कॉज में चेंज डबल डेरीवेटिव अगेन साइन कॉज में कॉज साइन में चेंज इंक्रीज करते जाएंगे पुड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जब लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे अगेन रिस्ट्रिक्शन ऑन जी एफ एक्स दैट जब आप इस सोलूशन को इक्वेशन में पुट करेंगे इट विल सेफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन राइट हैंड साइड का इक्वल आएगा अगर राइट हैंड साइड का इक्वल आएगा तो हम राइट हैंड साइड लिख भी लेते हैं राइट हैंड साइड में सिर्फ टू साइन थ्री एफेक्ट है cause नहीं है नहीं है सो हम जीरो कर देते हैं जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को कंपेयर करते हैं कॉस के टर्म्स कॉस के इक्वल दिस थिंग साइन के टर्म्स साइन के इक्वल वी विल गेट दिस थिंग अननोन कितने है? दो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है वो भी दो सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं या यह यहाँ से बी निकालते हैं इसमें पुट करते हैं इसको सॉल्व करते हैं जो मर्जी आप करते रहे यू विल गेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड बी योर वाई पीप्लीट अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनिशियल फाइनली इनिशियल कंडीशन गिवन हो तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो C1 होगा या C2 होगा ये भी कैलकुलेट करेंगे अगर इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन तो अपने क्वेश्चन को यहीं पे करेंगे. इस एग्जांपल में मैं आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वाला पार्ट है इसकी तरफ ज्यादा डिटेल में नहीं जाता ये आप लोग खुद देख लीजिएगा सिंपल सा काम है लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है मैं आपको सिर्फ बता देता हूं जो अनडिटर्म क्वेश्चन से रिलेटेड जो नई चीज आपके लिए होगी जस्ट उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाता हूँ पुरानी चीज पे ज्यादा टाइम नहीं लगाता जी ऑफ एक्स हेयर इज डिपेंडिंग ऑन टू पार्ट आई मे से दिस वन एज जी वन दिस वन एज जी टू ये जो फर्स्ट पार्ट है इट इज पोलिनोम काइंड ऑफ थिंग ये पोलिनोम फंक्शन है और जो सेकंड पार्ट है ये पोलिनोमियल और एक्सपोनेंट्स का मल्टीपल है अब जो g1 के अकॉर्डिंगली मेरा वाई पी होगा वो वाई पी वन कह दू मैं प्लस जो g2 के अकॉर्डिंगली मेरे पास वाई YP पी आएगा वाई पी टू होगा ठीक हो गया वाईपी टू जो मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा वो मेरे पास मल्टीपल फॉर्म में होना चाहिए जो वाई पी वन कंस्ट्रक्ट करूंगा वो सिर्फ इसको देख के कंस्ट्रक्ट करूंगा उसमें इस टर्म का को कोई हिस्सा नहीं अब आते हैं आगे अपने सोल्यूशन की तरफ हेयर दिस इज जी वन इसको देख के जो मैंने वाई पी सिलेक्ट किया इट इज सिंपली एक्स प्लस बी हेयर इज जी टू इसको देख के मैंने जो अपना सोल्यूशन सिलेक्ट किया सी एक्स प्लस डी ई पावर टू एक्स क्वेश्चन के अंदर दोनों प्लस के फॉर्म में गिवन थे तो अभी जब मैं वाईपी अपना ओरिजिनल वाईपी सेलेक्ट करूंगा तो ये दोनों प्लस की फॉर्म में ही होंगे ये वो पॉइंट है जो आ, शायद रिस्ट्रिक्शन ऑन जी में फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा था क्वेश्चन uh, आएंगे तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ये वो पॉइंट है कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर वो प्लस की फॉर्म में गिवन है तो आगे भी वो प्लस की फॉर्म में ही गिवन होंगे गेस किए थे दोनों को प्लस कर दिए ए एक्स प्लस बी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रिमेनिंग प्रोसीजर इज सेम अच्छा अब यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर आपका बेसिकली काम क्या है यहां पर आपने नंबर ऑफ अननोन कितने हैं नंबर ऑफ अननोन जो इस वक्त आपने फाइंड करने हैं वो है ए बी सी एंड डी फोर अननोन है जो आपने ट्रेस करने हैं फोर अननोन ट्रेस करने के लिए आपको इक्वेशंस एटलीस्ट फोर रिक्वायर्ड होनी चाहिए अगर आपके पास इक्वेशंस फोर से कम हुई तो इन्हें फाइंड करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा फिर हम कॉम्प्लीकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे सो so, ये आपको ये चीजें ये फेनोमेना थोड़ा सा जबरा का है आई होप सो कि ये आपको पता है वाई पी टेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, पुटिंग इन द इक्वेशन ये एक बड़ा सा रिलेशन बन जाता है जिसमें आप सबको प्रॉपरली अरेंज कर लें एंड फाइनली यू विल गेट दिस स्मॉल इक्वेशन अरेंज करने के बाद दिस इज ऑफ एक्स वॉस जब जीएफ एक्स आपने लिख दिया तो अब कंपेयरिंग ऑप्शन करेंगे कंपेयरिंग ऑप्शन का मतलब ये होगा कि जो एक्स का पार्ट है वो एक्स के इक्वल जो कॉन्स्टेंट का पार्ट है वो कॉन्स्टेंट के इक्वल जो एक्सपोनेंट का पार्ट है वो एक्सपोनेंट के इक्वल और ई पावर टू एक्स साथ वेरिएबल है मीन्स की कंपेयरिंग ऑप्शन आप कर लेंगे आफ्टर दैट यू विल गेट वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री इक्वेशन एंड फोर इक्वेशन यू विल गेट फोर इक्वेशन बाई यूजिंग दीज फोर इक्वेशन यू हैव टू फाइंड ए बी सी एंड डी Tab A, B, C, and D complete ho What you have to do is just put all these values in YP. Your YP will be complete. Once YP is complete, your general solution Y is complete. Put the values of YC as well as YP. Your solution is complete. अच्छा ये एक और कॉन्सेप्ट है जो जिसका हमने अपने क्वेश्चन के अंदर ख्याल रखना है जिसे कहते हैं डुप्लीकेशन बिटवीन वाई पी एंड वाई सी फॉर एग्जाम्पल मैंने आ, मैं आपको ये कह देता हूं कि अगर मैंने वाई सी अपना कैलकुलेट किया है और मेरे पास आया है सी वन ई पॉर एम वन एक्स अब जो मेरे पास जीएफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है वो भी ई पावर एक्स था अब जब मैं p सेलेक्ट करूंगा वो क्या आएगा ए पावर सेम। जब आपके पास वाई सी और p में सेम टर्म्स आ जाएं एक जैसी बिल्कुल आ जाएं फिर हम क्या करते हैं फिर हम अपना p बदल देते हैं फिर हम उस टेबल जो पहले मैंने टेबल शो किया था सेवन स्लाइड पे उसको बाईपास करके हम थोड़ी सी चेंजिंग्स करते हैं वो चेंजिंग्स क्या करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इश्यू इज वाई पी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाई सी अगर वाई पी आपने जब कंस्ट्रक्ट किया अकॉर्डिंग टू द टेबल मगर वो जो कंस्ट्रक्ट करके फॉर्म बनी वो वाई सी में पहले से मौजूद थी अगर ऐसा हो जाए इन दिस केस दस एम्प्शन ऑफ वाई पी इज इनकोरेक्ट दैट मीन्स अब आपने टेबल को यूज नहीं करना अब आपने टेबल को बायपास करना है बाईपास कैसे करना है वो डिफाइंड है इफ आई YP कंटेन्स टर्म दुप्लीकेट टर्म्स इन वाई सी देन वाई पी आई मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर एन दीन्स ये जो मैंने एग्जाम्पल दी है अगर ऐसा हो जाए कि डुप्लीकेशन हो जाए तो फिर आपने YP पी ये सेलेक्ट नहीं करना आपने साथ एक x को मल्टीप्लाई कर देना है वो ये कह रहे हैं ताकि वो डिफरेंट हो जाए उससे जब वो उससे डिफरेंट हो जाएगा फिर मसला खत्म अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बात एक्सप्लेन होगी क्लियर होगी वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वाई सी सारा काम यह आप लोग खुद देख लीजिएगा फॉर वाई पी GFX की वैल्यू थी एट ई पावर एक्स तो वाई पी एज पर द टेबल ये बनना चाहिए मगर इस इसका मसला ये है कि ये टर्म बिल्कुल वैसी ही है जो हमारे पास वाई सी में मौजूद है जब ऐसा हो जाए क्योंकि जब मैं c1 और a ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं इन दोनों को तो रहने दें बाकी फंक्शन वेरिएबल वाली टर्म सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डुप्लीकेशन हो गई एज पर द स्टेटमेंट अबव अब मुझे वाई पी क्या सेलेक्ट करना है स्टेटमेंट ये कहती है कि आपके पास जब इस तरह का मसला हो जाए तो आप एक एक्स मल्टीप्लाई कर दें आप एक एक्स मल्टीप्लाई कर दें देन एवरीथिंग इज फाइन ये वो बेसिक पैटर्न है अब यहाँ पर पहले हम कंफर्म करते हैं कि वो जो वाई पी एज पर द टेबल सेलेक्ट किया है वो इनकोरेक्ट है एज पर द टेबल जो वाई पी सेलेक्ट किया था वो क्या था ए पावर एक्स ए ई पावर एक्स को जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन को उसे सेटिस्फाई करना चाहिए था मगर उसने सेटिस्फाई नहीं किया जब उसने सेटिस्फाई नहीं किया क्लियरली इट इज रॉन्ग वंस इट इज रॉन्ग इट मीन्स यू हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग तो इम्प्रूव करने का जो पैटर्न आपको बताया गया है वो ये है कि आपने उसे एक एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जब हम उसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई पी प्राइम फिर लें डबल प्राइम ले उसी तरीके से आपने उसे इक्वेशन में पुट कर देना है कंपेयरिंग करनी है यू हैव फाइंड कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने के बाद वाई पी इज कंप्लीट मजीद एग्जाम्पल देखते हैं दो पार्ट्स हैं इस एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट सेज योर जी एफ एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो सॉरी प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाइल दिस वन इज प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इससे जो आप पी वाई ऑफ पी सेलेक्ट करेंगी वो भी प्रोडक्ट होना चाहिए इस पार्ट का और इस पार्ट का सेम इज़ द केस यहाँ पर भी वो प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए वाई सी की डिटेल आपकी अपनी है वाई पी की तरफ जाते हैं तो इनिशियल वाई पी वॉज एक्सक्यूब क्यूब को जब हम रिप्लेस करेंगे तो वो इस फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पार्ट इट विल रिमेन द सेम नो डुप्लीकेशन बिटवीन वाई पी एंड वाई सी कोई भी टर्म कॉमन नहीं है दोनों टोटली डिफरेंट हैं जब तो टोटली डिफरेंट हैं रिमेनिंग पार्ट आपका अपना हिस्सा है वो आप लोग खुद करेंगे आपने क्या करना है हिट्स दे देता हूँ यू हैव टू फाइंड ए बी सी एंड डी ये आपने कैलकुलेट करना है जब आपने इनको कैलकुलेट करना है कैसे करना है टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव पी सेकेंड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें देन आफ्टर पुटिंग कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग बाई इज यूजिंग द फेनोमनाफ कंपेयरिंग आप एबीसी कैलकुलेट कर लेंगे वंस दे आर फाउंड पुट दे कंप्लीट हो जाएगा और सोल्यूशन इज कम्प्लीट सेम फेनमुना आपने बी पार्ट के साथ भी करना है एग्जाम्पल नंबर फाइव लास्ट भी एग्जाम्पल नंबर फाइव थी खैर हमारे पास इस वक्त जो जी ओफ एक्स है मैं जस्ट जी ओफ एक्स से आपको वाई बी कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाता हूँ बाकी आपने इन क्वेश्चन को खुद ही देखना है इससे अगर मैं सिलेक्ट करूँ मेरा वाई बी बनता है एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी ये सिर्फ थ्री एक्स स्क्र से बना है जो सेकेंड पार्ट है माइनस फाइव ऑफ साइन टू एक्स है इसे जो मेरे पास वाई पी सिलेक्ट होता है वो है ए साइन टू एक्स प्लस बी कॉस टू एक्स और थर्ड थिंग इज सेवन एक्स ई पॉर सिक्स एक्स इट कैन बी रिटन एज सॉरी मैं ए कर रहा हूं तो इसे ए वन कर देते हैं इसे बी वन कर देते हैं इसे ए टू कर देते हैं प्लस सी बी टू कर देते हैं ई पॉ सिक्स एक्स टोटल कांस्टेंट्स कितने हो गए आई हैव टू कैलकुलेट ए बी सी ए वन बी वन ए टू बी टू मैंने तो ए वन बी वन की मेथड को यूज किया है अभी एक्सप्लेन करते वक्त आप बेशक क्वेश्चन के अंदर मैंने मेथड ए बी ए वन बी वन नहीं यूज़ किया ए बी सी और शायद डी ई एफ जी यूज किया है सो दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू डिफ्रेंशिएट अदरवाइज वन टू लिखते लिखते कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं सो so इसको नॉट ही यूज करें तो बेहतर है तीनों को जब तीनों प्लस के फॉर्म में मौजूद हैं सो एज पर रूल जब ये प्लस के फॉर्म में मौजूद हैं, तो तीनों को आपने जब वाई पी सिलेक्ट करना है तो प्लस के फॉर्म में ही सिलेक्ट करना होगा दिस इज टोटल वाई पी टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव टेक द सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास सेवन अनाउन है जो आपने कैलकुलेट करने हैं सेवन है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन इक्वेशंस आएंगी सिंपल इक्वेशंस आ जाएंगे फिर तो मसला नहीं है अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ गया इक्वेशंस को फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो इनको आप खुद कीजिएगा सॉल्व और इस प्रॉब्लम आई तो फिर हम इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे या इसका कुछ हल निकाल लेंगे हेयर द एग्जाम्पल कंटेनिंग द इनिशियल कंडीशंस इनिशियल कंडीशन मेरे पास जो गिवन है वो वाई ऑफ पाए इजकल्स टू जीरो वाई प्राइम ऑफ पाए इजिकल्स टू जीरो सोलूशन की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा ना वाई सी भी आपका वाई पी भी आपका दोनों आपके हो गए अब मैं जस्ट पार्ट इस क्वेश्चन में नया है मैं जस्ट वो एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ है वो आपके पास इनिशियल कंडीशन है मैं जस्ट इनिशियल कंडीशन को एक्सप्लेन करूंगा वाई सी कैलकुलेट करने के लिए एक्जलरी क्वेश्चन बनी कॉम्प्लेक्स रूट्स बने सोल्यूशन आ गया जी एफ एक्स से कैसे वाई पी बनाना है वाई पी कैसे वेरिएबल ट्रेस करने हैं वो सारा काम आप उससे किसी हद तक फेमिलियर हो चुके हैं अभी तक क्योंकि हम अबाउट एट्थ एग्जाम्पल पर हैं तो दे आर वी हैव डन जान जाए कि क्या कुछ करना है और कैसे करना है आफ्टर डूइंग दिस वंस योर वाई पी इज कंप्लीट वेयर इज वाई पी हेयर योर सोल्यूशन इज कंप्लीट वंस योर सोल्यूशन इज कंप्लीट जो इनिशियल कंडीशन का काम होता है वो ये फाइंड आउट करना सी वन सी टू ट्रेस करना होता है इनिशियल कंडीशन है वाई ऑफ इसका मतलब ये होगा कि जहां पर एक्स लिखा है वहां पाई पुट कर दें जहां पर वाई लिखा है वहां जीरो पुट कर दें यू विल गेट वन इक्वेशन अब ये मेरे पास वाई है जहां पर वाई लिखा है वहां जीरो जहां एक्स लिखा है वहां पाई पुट कर दिया सॉल्व करने के बाद यू विल गेट यहां पर तो डायरेक्टली c1 आ गया c1 डायरेक्ट ना भी आए तो एटलीस्ट एक इक्वेशन आ जाती है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंड जो मेरे पास कंडीशन थी वो थी वाई प्राइम ऑफ पाए इज इक्वल्स टू टू इसका मतलब ये है कि आप पहले वाई का डेरिवेटिव लें एक एक्सप्रेशन आएगी उस एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ पाए पुट कर दें जहाँ पर वाई प्राइम लिखा है वहाँ पर टू पुट कर दें वो काम किया गया है जगह पे दिस इज वाई प्राइम और यहां पर सब में पाईपुट कर दिया गया है फाइनली यू विल गेट सी टू वन यू गेट सी टू पुट दम बैक इन द दोल्यूशन ऑफ वाई योर जनरल सोल्यूशन विल बी कंप्लीट सिमिलरली एग्जाम्पल्स खुद देखिएगा कोई कन्फ्यूजन हुई कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आई थिंक मैं हिंट्स ना दूं इसके उसकी वजह यह है कि वी हैव ऑलरेडी डन डिटेल्ड क्वेश्चंस तो जी उसी तरह के ही हैं उसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है uh, टेन एग्जाम्पल्स किए हैं तो ये भी सेवन हैं तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्पल के साथ मैप होता है उसी जैसा है सो so, कि आप लोग खुद अटेम्प्ट करें और ट्राई करें नहीं करने की सोल्व जहाँ तक क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन की बात है इनिशियल कंडीशन के साथ जो क्वेश्चन है इनिशियल कंडीशन के अंदर आपने हर सूरत सॉल्व करना है एक्स टू फाइंड द कांस्टेंट्स जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे वाई सी के अंदर उन कॉन्स्टेंट्स को आपने ट्रेस करना है F0, in this question, is simply a constant. के बारे में कोई डिटेल नहीं गिवन सो इट इज सिंपली अ अंस्टेंट इसको आपने वेरिएबल के तौर पर डील नहीं करना आई होप सो द मेथड इज क्लियर दिस वॉज द मेथड ऑफ अनडिटर्म क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो अनडिटर्म क्वेश्चन में आपका काम सिर्फ एक होता है वाई पी को गैस करना और ये जो वाई पी हम गैस करते हैं ये डिपेंड करता है ऑफ़ एक्स के ऊपर और ऑफ़ एक्स क्वेश्चन के अंदर शामिल होता है वंस यू हैव सेलेक्टेड वाई पी पुट दिस वाई पी इन डिफरेंशियल इक्वेशन Put it back to the differential equation to find the constants a, b, c, d, or whatever you define. Define the constant Trace After tracing all these constants, put them in y p. Then इज आज के लेक्चर का बेसिक टारगेट वाई पी फाइंड आउट करना था विद हेल्प ऑफ और सुपरपोजिशन अप्रोच अप्लाई की है सुपरपोजिशन अप्रोच का मतलब ये होता है कि प्लस जहाँ पर फंक्शंस प्लस हो रहे हों वहाँ पर आपने सॉल्यूशन को प्लस करके लिखना होता है थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखेगा और कोशिश करें सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और किसी भी वक्त ऑनलाइन सेशन में मैं आपसे जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस एग्जाम्पल में की है या जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो सारे मैं किसी भी वक्त पूछ सकता हूँ सो बी रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइएगा लेक्चर को प्रॉपरली सुन के काम करके आइएगा थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिएगा